अब इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम किसी फंक्शन fx का इंटीग्रेशन करें फ्रॉम a टू b, तो वह इक्वल होता है यदि हम फंक्शन f ऑफ a प्लस b माइनस x का इंटीग्रेशन करें फ्रॉम सेम लिमिट्स a टू b। यहां जो राइट हैंड साइड में हमने फंक्शन के अंदर a प्लस बी लिया है, तो वहां a लोअर लिमिट है एंड b अपर लिमिट है। यानी कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम उसके वेरिएबल को सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम सबसे पहले x को a प्लस बी माइनस टी के इक्वल अज्यूम करते हैं। अब यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो हमें dx इज इक्वल टू माइनस dt मिल जाएगा। अब सिंस जो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में, अब यदि हम क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वहां वेरिएबल x है एंड उसकी लिमिट है a से b, और हमने x को a प्लस बी माइनस टी से रिप्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब अब t के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो जब x की वैल्यू a होगी तब t की वैल्यू हो जाएगी b, एंड जब x की वैल्यू b होगी तब t की वैल्यू हो जाएगी a। यानी कि अब हमारी लिमिट्स हो जाएंगी b टू a, एंड हम इस प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a f ऑफ a प्लस बी माइनस t dt। यहां हमने f, तो अब इस प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a f ऑफ a प्लस बी माइनस t dt। अब हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि हमारे पास एक माइनस आगे है, तो हम प्रॉपर्टी वन का यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग यदि हम किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स को एक्सचेंज कर दें तो एक माइनस साइन आगे आ जाता है। सिंस हमारे राइट हैंड साइड वाले पार्ट में एक माइनस साइन ऑलरेडी है, तो एक और जो माइनस साइन आएगा उससे प्लस हो जाएगा और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी a टू b। अब हम प्रॉपर्टी जीरो अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो यहां हमारे प्रूफ के राइट हैंड साइड में वेरिएबल है t, इसको यदि हम x से रिप्लेस करें तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। और आप यदि अब देखोगे तो हमने अपनी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं जो कि है प्रॉपर्टी फोर। ये थर्ड प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंशन है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारी लिमिट थी a टू b, यहां लिमिट है 0 टू a। तो जैसे हमने थर्ड प्रॉपर्टी में फंक्शन के वेरिएबल को सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल लिखा था, उसी तरह हमने यहां लिखा है। बस फर्क इतना है कि जब हम सम ऑफ लिमिट्स करेंगे तो हमें केवल a मिलेगा, तो इस तरह हमने वेरिएबल को a माइनस x से रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम इसका प्रूफ भी आसानी से कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी थ्री को कुछ इस तरह से पढ़ा था। अब यदि हम इस प्रॉपर्टी में a को जीरो और b को a के इक्वल अज्यूम करें तो हमें प्रॉपर्टी नंबर फोर मिल जाएगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स dx फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि हमने कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया था। हमने कॉस स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके पहले उसे कन्वर्ट किया था, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया था। तो जो वो प्रोसेस थी वो हमारी काफी लंबी थी। अब हम ये देखेंगे कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यदि हम इस इंटीग्रेशन को i के इक्वल अज्यूम करें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंड अभी हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था।
जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है cos स्क्वायर x, उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, एंड इसको हमें सॉल्व करने पर मिलेगा फंक्शन sin स्क्वायर x। तो इस तरह यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 dx एंड लिमिट रहेगी हमारी 0 टू पाई बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन होगा x के इक्वल, एंड जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें 2i की वैल्यू मिलेगी पाई बाई टू के इक्वल, जिससे i की वैल्यू मिलेगी हमें पाई बाई फोर। तो अब आप देखोगे तो हमने इनिशियली अपने क्वेश्चन को i के इक्वल अज्यूम किया था, और अब हमने i की वैल्यू पाई बाई फोर फाइंड कर ली है। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाई बाई फोर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। लेकिन यदि हम इस क्वेश्चन को बिना प्रॉपर्टी के यूज करें सॉल्व करें तो ये काफी लेंदी हो जाएगा।